क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है Z60 जो ग्रुप है उसका नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हमें फाइंड करना होगा। देखो Z60 का हमें नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड करना है। ओके तो देखो 60 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 × 3 × 5, तो 4 क्या है 2² × 3 × 5, तो 3^1 5^1 है। अच्छा ठीक है, तो नंबर ऑफ जो सब ग्रुप होगा वो क्या होगा 2+1, 2 क्या है ये जो 2 है दिस इंटू 1, यहाँ पर 3 का पावर है 1। इसे हमें जो Z60 दिया हुआ है Z मान लो Zn को हमें प्राइम के फैक्टर में लिखना है। ठीक है, अच्छा तो 1+1 × 5 का पावर क्या है 1 1+1, यहाँ से ये क्या आएगा 3 × 2 × 2, तो ये क्या आएगा 12। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। 26A में हमें दिया गया है, ए का नंबर 1 में दिया गया है हमें R/Z and S′, एक ग्रुप है S′ क्या है S′ = Z belongs to C है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है सच दैट mod Z = 1, ये दोनों आइसोमॉर्फिक होगा एंड होगा या नहीं, एंड Z+ and Q+ आइसोमॉर्फिक होगा या नहीं देखना है। देखो एक नंबर को पहले देखते हैं हम, ठीक है, R/Z से S′ में एक फंक्शन मान लो f है, f इस तरह से है कि fx x कहाँ पर R/Z पर बिलोंग कर रहा है, तो fx होगा इस ग्रुप पर S′ पर बिलोंग करेगा, तो मान लो fx = e^2πiωx। ओके 2πiωx का मतलब क्या है cos 2πx + iωsin 2πx, x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है x R/Z पर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो fx = dc, ये तो S′ का एलिमेंट है। ठीक है, अब एक देखो S′ का एलिमेंट कैसा होगा, मॉड लोगे तो 1 होगा, मॉड fx करो तो ये 1 आएगा। ठीक है, हो रहा है ये, अच्छा मॉड x fx देखो तो mod fx = 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि देखो mod fx का x क्या है x R/Z से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, R/Z से हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो ये s पर, कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो वो s पर ही बिलोंग कर रहा है, क्यों s पर बिलोंग कर रहा है क्योंकि mod f(z) 1 आ रहा है इस कंडीशन के थ्रू, R/Z का हर एक एलिमेंट s सेट पर बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है ऐसा s में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, s में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज R/Z पर नहीं हो, s का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज R/Z पर है, तो इसका मतलब f एक ऑनटू मैपिंग है। ओके अब देखते हैं f होमोमोर्फिज्म होता है या नहीं, देखो f x1+x2 क्या आएगा e^2πiωx1+x2 = e^2πiωx (x1)/2πiωx2, दिस इक्वल्स टू क्या है fx1 × fx2, यहाँ पर प्लस लिया क्योंकि यहाँ पर R/Z है जो है वो एडिटिव ग्रुप होगा, एंड एक मिनट, ये जो फंक्शन लिया है ना हम f, ये हम R/Z से नहीं R से S′ पर हमने लिया। ठीक है, एंड x जो है वो R पर बिलोंग कर रहा है R/Z पर नहीं। ठीक है, अच्छा तो R एक एडिटिव ग्रुप है तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लिया, एंड यहाँ पर डॉट है, डॉट मिला है हमें, तो S क्या है S एक मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, तो ये तो अच्छा ये तो होमोमोर्फिज्म बन गया, अभी ऑन टू होमोमोर्फिज्म बन गया। अच्छा ये ऑन टू होमोमोर्फिज्म है तो यहाँ पर एक हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इस ग्रुप से इस ग्रुप पर, तो इस ग्रुप का कर्नल f क्या होगा, कर्नल f
इस आर बाई कर्नल एफ इस आइसोमॉर्फिक टू एस डैश होगा, ठीक है ओके। तो यहाँ पर कर्नल एफ हमें फाइंड करना है, कर्नल एफ क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर सच देट एफ एक्स कहाँ पर बिलोंग करेगा, इस एस डैश पर, एस डैश पर बिलोंग करने के लिए एस डैश का जो एलिमेंट होगा एफ एक्स इक्वल टू वन होना पड़ेगा, मॉड एफ एक्स इक्वल टू वन होना पड़ेगा ओके। सॉरी एफ एक्स मॉड एफ एक्स इक्वल टू वन नहीं, एक्स एक्स क्या है, एक्स जो है वो आर का कर्नल का एलिमेंट है, तो कर्नल का एलिमेंट कर्नल पर ही मैप करता है, ये जो आर का कर्नल का एलिमेंट है वो एस डैश का कर्नल का एलिमेंट पर ही मैप करेगा, एस डैश का कर्नल का एलिमेंट क्या है, वन, क्योंकि ये सी है कॉम्प्लेक्स ग्रुप, ठीक है, ये जो ग्रुप है कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है, तो यहाँ पर कर्नल का एलिमेंट जो होगा वो वन होगा, यहाँ पर आइडेंटिटी ग्रुप का आइडेंटिटी है वन, ठीक है, तो एफ एक्स जो होगा वन, एफ एक्स इक्वल्स टू वन होगा, एक्स वन पर मैप करेगा, तो एक्स बिलोंग्स टू आर, सॉरी इसे हाँ ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर टू पाई आयोटा एक्स, मतलब कॉस टू पाई एक्स प्लस कॉस टू पाई एक्स पाई प्लस आयोटा साइन टू पाई एक्स इक्वल्स टू वन ओके। अच्छा अब देखो इसका मतलब क्या है, कॉस टू पाई एक्स इक्वल्स टू वन एंड साइन टू पाई एक्स इक्वल्स टू जीरो, अच्छा कॉस टू पाई एक्स इक्वल्स टू वन मतलब कॉस टू पाई एक्स इक्वल्स टू टू एन पाई ओके, कॉस टू एन पाई इक्वल्स टू वन होगा, एंड एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नहीं, एन बिलोंग्स टू जेड ले लो, हाँ एन बिलोंग्स टू जेड ही होगा, अच्छा तो टू से टू कैंसिल एंड तो पाई से पाई कैंसिल, तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा एन, तो एक्स बिलोंग्स टू आर सच देट एक्स इक्वल्स टू हरा है एन, एन जेड पर बिलोंग कर रहा है, तो कर्नल एफ होगा जेड, तो आर बाई जेड जो है वो आइसोमॉर्फिक है एस डैश का। नंबर टू को देखते हैं, नंबर टू में देखो ये दोनों ग्रुप है ना, ये काउंटेबल इनफाइनाइट ग्रुप है एंड ये अनकाउंटेबल ग्रुप है, तो इसका मतलब ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, ठीक है, ये एक तरीका है। एंड दूसरा तरीका है कि आप जेड से क्यू तक ना एक फंक्शन मान लो एफ है, ठीक है, सॉरी फाई नहीं ये क्यू है, जेड से क्यू तक एक फंक्शन एफ है एंड एन जेड पर बिलोंग कर रहा है एंड दिस इक्वल्स टू एन बाई हमने एम लिया, तो ये क्यू पर बिलोंग कर रहा है ओके। अच्छा एन क्या है, एन बिलोंग्स टू जेड एंड एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एम बाई एन बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। देखो ये क्या होमोमोर्फिज्म होगा, देखो एफ एन वन प्लस एफ एन टू इक्वल्स टू क्या होगा, एन वन बाई एम वन प्लस एन टू बाई एम टू, ठीक है, क्या दिस इक्वल्स टू एन वन प्लस एन टू बाई एम होगा, जब ऐसा होगा तभी हम इसे लिख सकते हैं एस एफ एन वन प्लस एन टू, दिस इक्वल्स टू दिस तभी होगा जब एन वन इक्वल्स टू एन वन एंड एम वन एंड एम टू, एम वन एंड एम टू इक्वल हो जाए, दिस इक्वल्स टू मान लो एम है, एन वन एंड एम टू जब इक्वल नहीं होगा तब हाँ ये होमोमोर्फिज्म नहीं होगा ओके। जब ये होमोमोर्फिज्म नहीं होगा तब तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला जो है नहीं लगा सकते हैं कि z बाई कर्नल ऑफ z मतलब है जीरो इस आइसोमॉर्फिक टू q, तो z आइसोमॉर्फिक टू q नहीं होगा क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म ही नहीं है हो रहा है, तो यहाँ से हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। 26 बी में हमें दिया गया है g एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर n का, के एक पॉजिटिव नंबर है जो n को डिवाइड करता है, जी है जी में मैक्सिमम एक ही सब ग्रुप होगा के ऑर्डर का, ये ट्रू है या फॉल्स है दिखाना है हमें। जी एक एबिलियन ग्रुप है
ऑर्डर एन है। तो एक काम करो, जी को एक ग्रुप ले लो, जी के फोर, मान लो जी इक्वल्स टू के फोर, के फोर का ऑर्डर क्या है, फोर है। एलिमेंट्स क्या क्या है, आइडेंटिटी ए बी, ए बी, ए बी या सी ले लो, एक ही बात है। इसका ऑर्डर है वन, इसका है टू, इसका है टू, इसका है टू। ओके अच्छा, के फोर का ऑर्डर है फोर, ठीक है, एंड के डिवाइड्स फोर, मान लो के क्या है टू है, ठीक है, टू फोर को डिवाइड कर रहा है। ओके अच्छा, अब देखो के फोर का जो सब ग्रुप होगा ई कॉमा ए, ई कॉमा बी एंड ई कॉमा ए बी, ये तीन सब ग्रुप होगा ऑर्डर टू का। अच्छा तो इसे मान लो एच वन, ये मान लो एच टू, ये है एच थ्री। तो ऑर्डर टू का के, एच वन का ऑर्डर क्या है टू, एच टू का है टू, एच थ्री का है टू। तो टू ऑर्डर का कितना सब ग्रुप मिल रहा है, तीन सब ग्रुप मिल रहा है। तो हमें क्या बोला गया है, क्या ऑर्डर का एटमोस्ट वन मिलेगा हमें, तो तीन एक, एक से ज़्यादा मिल गया है हमें, तीन ऐसा सब ग्रुप मिल गया है हमें के फोर का। तो ये फॉल्स होगा।